ये सेटेलाइट एस रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक सेटेलाइट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, समझना इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मास ऑफ द सेटेलाइट इज वेरी स्मॉल इज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इसमें से सही बात कौन सी है, कम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर सेटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ये हम लोग का एक इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पर सेट, यहाँ पर सन है और ये सेटेलाइट इसमें ऐसे चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम यस रिमेंस कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात है यार, हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट कैसे रहेगा। एक्सलेशन एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अब देखो अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डायरेक्टेड होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ अर्थ के डायरेक्टेड होगा, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा तो एक्सलेशन भी तो अर्थ की तरफ ही डायरेक्टेड होगा, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन हमारा सही है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन बट इन मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट द अर्थ में चेंजेज इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कॉन्स्टेंट होता है, इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट और डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बिकॉज रोटेशन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, अगर बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो डायरेक्शन बाहर आ गया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि नेटवर्क जीरो होता है, तो ये भी गलत है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द एयर वेरी पीरियडिकली, ये तो बहुत ही गलत है, ठीक है, एक होता है गलत, एक होता बहुत गलत, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट नहीं करती, वेरी नहीं करती है। चलो एक कहता है ए थर्ड लॉ स्टेट दैट द केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट पीरियडिक रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, अच्छा केपलर्स लॉ दे दिया, ठीक है, इफ द मास ऑफ द सन एंड प्लैनेट न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब कुछ तो दे ही दिया यार, अच्छा द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड कैपिटल के, अब आप केपलर्स लॉ किए हो गए, डेरिवेशन किए हो गए, तो एक बच्चा है जिसको केपलर्स कांस्टेंट याद है, बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर क्यू होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के अपन आर स्क्वायर, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 4 पाई स्क्वायर जीएम होती है, केपलर्स वाला कांस्टेंट, ये केपलर्स के जो इक्वेशन होते हैं उसमें इस प्रोपोर्शनलिटी के हटाने पे एक कांस्टेंट आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो डायरेक्ट उसको यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक बच्चा जो इसको याद करके गया है, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको याद है कि के की वैल्यू इतना होती तो डायरेक्ट टिक कर देगा, बोलेगा कि फोर्थ ऑप्शन सही है, उसका टाइम बच गया। अब एक बच्चा जिसको याद ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा, वो डिराइव करेगा, वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो ये मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको याद करना सिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो अच्छी फैकल्टी से पढ़े हो उनके नोट्स पढ़ो यार, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो अब इसको मैं डिराइव करता हूँ, देखो अब मैं तुमको बहुत आसान तरीके से डिराइव करना बताता हूँ। अब अगर ये सेटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दैट इज ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर की पावर स्क्वायर, ये होता है, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। अगर मास ऑफ द अर्थ एम है और इस सेटेलाइट का मास एम है और ये रेडियस आर है, तो इसके लिए ये इक्वेशन होल्ड होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा यार, ग्रेविटी से ही तो मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एम, अब हमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, रटे हो ना, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2πt होता है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो ये 4π² टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर की स्क्वायर, ठीक है। तो एम ने एम को, बाकी कोई किसी को नहीं काटा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4π² ऊपर कैपिटल जी एम और आर की पावर क्यू, ठीक है। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू। जब हम केपलर्स का लॉ, देखो केपलर्स का लॉ प्रूव करते हैं, ये प्रूव करते तो वही आ जाता है, ठीक है।
चलो, तो ये कांस्टेंट फोर्थ ऑप्शन।